और मुझे ऐसा लगता है कि कल हमने दिन भर मीटिंग की, मैं था, मंत्री जी थे, 6 बजे तक मीटिंग चली और उसके बाद 7 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद हमारे मंत्री जी ओडिशा पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां पर एडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं और जो इंजर्ड है या जो मृत है उनको नजदीक जो भी हॉस्पिटल, फिर ओडिशा में कटक हो, भुवनेश्वर हो, बालेश्वर हो, कलकत्ता हो, एम्स हो, उस हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम चल रहा है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना। सर, अभी तक घायलों के मृतकों के आंकड़े के विषय में क्या जानकारी है? ऐसा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और जो चैनल पे आंकड़े आ रहे हैं वो 233 मृत बता रहे और 800 लगभग इंजर्ड है और जैसा ही ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसका फाइनल आंकड़ा आ सकता है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और सभी मदद कार्य वहां देने का काम रेल प्रशासन कर रहा है। सर, प्राथमिक कारण क्या पता लग पा रहे हैं एक्सीडेंट होने के, किस कारण से हादसा हुआ है? ये देखिए, ये मानवीय गलती से हुआ है या टेक्निकल कारण हुआ है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी घोषणा रेल प्रशासन ने कर दी है और हमारे कमिश्नर रेलवे के जो सेफ्टी देखते हैं उनको भी वहां बुलाया गया है। ये कमेटी जांच करेगी तभी इसका पता चलेगा कि टेक्निकल कारण से हुआ है या मानवीय गलती से हुआ है। सर, अपघात ओडिशा मध्ये, त्यानंतर आता कशा प्रकारे बचाव कार्य चालू आहे आणि ती लोकांचा